कृष्ण मेरे दीक्षा कृष्ण रूपा दो मेरे शिक्षा गुरु हरिमोहन दास प्रभु जी को राधा रमन दास का धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 36। पापमेव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न आर्य वयम् हन्तुम् धृतराष्ट्रान्त बांधव स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनश्च माधव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा। यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा उनके मित्रों की हत्या करें। हे लक्ष्मीपति, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हम किस प्रकार सुखी हो पाएंगे? इस श्लोक में अर्जुन के युद्ध न करने का पहला कारण बताया गया है, पाप का भय। शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। एक, पहला विष देने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, धन हड़पने वाला, पराय स्त्री का अपहरण करने वाला और दूसरे के घर में अग्नि लगाने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अर्जुन अपने साधुवक व्यवहार के कारण इन्हें भी नहीं मारना चाहता था, किंतु कलयुग की वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि मनुष्य पाप करने से भी नहीं कतराता। पापमय जीवन और भगवान से विमुखता ही कारण है हमारे दुख और असंतोष का। पाप के 4 स्तंभ होते हैं। पहला अवैध संग, दूसरा जुआ खेलना, तीसरा मांसाहार और चौथा नशीले पदार्थ का सेवन करना। ये 4 पाप हमें हमारे मूल स्वरूप और श्री कृष्ण से दूर ले जाते हैं। इनके दुष्परिणामों को हमें कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। और फिर हम सोचते हैं कि अब मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का कुछ नहीं किया, फिर हमारे जीवन में दुख क्यों? तो यदि हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें पापमय जीवन के रास्ते को छोड़कर भक्ति के रास्ते पे चलना होगा। नेताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम।